चैप्टर सेकंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स वर्कशीट वन फाइंड द क्यूब्स ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्यूब्स फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जिस भी नंबर का हमें क्यूब निकालना होता है हमें उसकी पावर करनी होती है 3। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 8, तो 8 का क्यूब हम कैसे करेंगे, ए इज रेज टू द पावर 3, ए का क्यूब कर देंगे। 8 इज रेज टू द पावर 3 मीन्स 8 की हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करी, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 कितना आया 512। सेकेंड पार्ट 13, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 13, तो 13 इज रेज टू द पावर 3, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 2197। थर्ड पार्ट 17 का क्यूब, 17 इज रेज टू द पावर 3, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 दिस इज इक्वल टू 4913। फोर्थ पार्ट 1.3, तो 1.3 इज रेज टू द पावर 3, 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3। अगर हम इसमें पॉइंट कंसीडर ना करें तो हम इसको 13 बोल सकते हैं। तो 1.3 का क्यूब जब हम 1.3 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2197। और अब डेसिमल कहाँ लगेगा, अब हम तीनों डिजिट में डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स गिन लेते हैं। तीनों नंबर्स में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। इट मीन्स बैक से हम वन स्पेस से हम 3 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट्स हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। तो 1.3 का क्यूब क्या होगा, 2.197। नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट 0.06, इसका क्यूब करते हैं, 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई 0.06। तो हमने इजली पहले 6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर ली, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब हमें यहाँ पे 0.06 दे रखा है, हम सारे डेसिमल डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है टोटल तीनों टर्म्स में वो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट बार जो है डेसिमल पुट करना है हमें। तो हमारे पास 3 डिजिट तो है, 3 डिजिट के लिए हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो कितनी डिजिट्स हो गई है पूरी 6, 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 6 डिजिट हम डेसिमल आएंगे और डेसिमल के आगे हम 0 पुट कर सकते हैं। जब कोई भी डिजिट नहीं होती डेसिमल से आगे तो हम 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट 6th पार्ट 0.4 का क्यूब, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, तो 4 का क्यूब हो गया 64। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, मींस 3 डिजिट बाद हमें डेसिमल पुट करना है, तो 2 डिजिट तो है, तीसरी डिजिट के लिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, फिर हमने लगा दिया डेसिमल और डेसिमल के आगे हमने एक और 0 पुट कर दिया। अब 7th पार्ट है हमारे पास रैशनल नंबर 2/3, तो हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, हम क्यूब्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन क्यूब ऑफ डिनोमेटर, क्यूब ऑफ न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ डिनोमेटर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 8/27। 8th पार्ट -7 का क्यूब, ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, माइनस नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव ही होता है, तो -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, तो -7 का क्यूब कितना आया 343, और किसमें आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव कोई भी अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। 9th पार्ट -9 का क्यूब, तो नेगेटिव नंबर है तो इसका क्यूब भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9 माइनस
7 2 9 एंड द लास्ट पार्ट -12 का क्यूब -12 -12 मल्टीप्लाई -12 दिस इज इक्वल टू -1 7 2 8 सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब जो नंबर्स गिवन है हमें फर्स्ट नंबर जैसे गिवन है 4096 तो हमें ये बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले ये हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किए इसके प्राइम फैक्टर 4096 ये 2 से डिविजिबल है अगेन 2 से डिविजिबल है जब तक 2 से डिविजिबल है हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगेन 64 32 16 8 4 और लास्ट में क्या है 2 तो इसके प्राइम फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स 2 या 2 मल्टीप्लाई 2 हमने इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए इसके आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हम पहले सबसे पहले नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे अब हम देखेंगे क्या हम इनके प्राइम फैक्टर्स को ग्रुप कर सकते हैं ग्रुप ऑफ 3 सेम प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर अगर हम इनके प्राइम फैक्टर को कैसे क्या बना सकते हैं ग्रुप में चेंज कर सकते हैं ग्रुप में बांट सकते हैं ग्रुप ऑफ सेम प्राइम नंबर जैसे मैंने एक ग्रुप बना दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सेम प्राइम नंबर का ग्रुप बना दिया यानी कि ग्रुप देम इन ट्रिपलेट्स कह सकते हैं हम ग्रुप देम इन ट्रिपलेट्स एक ग्रुप ये बन गया एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया और कोई भी फैक्टर नहीं बचा हमने उनको ग्रुप कर दिया ग्रुप ऑफ सेम प्राइम नंबर इन ट्रिपलेट्स और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बचा तो ये नंबर क्या कहलाएगा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा सिंस द प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4096 कैन बी ग्रुप इनटू ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स मतलब हो गया 3 नंबर एक साथ लिए हमने 3 सेम प्राइम नंबर एक साथ लिए और उन्हें ग्रुप कर दिया और एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं बचा जिसको हमने ग्रुप ना किया सो 4096 इज अ परफेक्ट क्यूब 4096 जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट करते हैं इसका 108 फिर हम इसी तरह से फाइंड करेंगे कि 108 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है हमने लिया सेकंड पार्ट 108 सबसे पहले हमने फाइंड किए इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे हमने फाइंड किए 2 से डिविजिबल है 54 अगेन 27 तो इसके प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अब आप देख सकते हैं वी कैन मेक द ग्रुप ऑफ 3 इन ट्रिपलेट्स जो प्राइम फैक्टर 3 है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इनका तो हमने ग्रुप कर लिया सेम प्राइम नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स लेकिन 2 प्राइम फैक्टर जो हैं वो बच गए 2 मल्टीप्लाई 2 ये 2 प्राइम फैक्टर ऐसे बच गए जिनको हम ग्रुप नहीं कर सके तो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब
while grouping the factor हम लिखेंगे while grouping the factors we are left with 2 multiply 2 therefore 108 is not a perfect cube. थर्ड पार्ट है 392. तो 392 के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किए 4 × 8 = 16 2 × 1 = 2 2 × 9 = 18 2 × 6 = 12 2 × 9 = 18 2 × 8 = 16 4 × 8 = 2 × 18 अब ये 7 से डिविजिबल है. तो 392 के जो प्राइम फैक्टर आए वो है 2 × 2 × 7 × 7. तो अब हम देख सकते हैं 2 को तो हम ग्रुप कर सकते हैं इन ट्रिपलेट्स. 2 कैन बी ग्रुप इन ट्रिपलेट बट वी आर लेफ्ट विद 7 × 7. सो 392 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब. व्हाइल ग्रुपिंग द फैक्टर हम लिखेंगे व्हाइल ग्रुपिंग द फैक्टर्स हम किन का ग्रुप बनाते हैं 3 सेम प्राइम नंबर का ग्रुप कैसे बनाते हैं ग्रुप्स इन ट्रिपलेट ऑफ सेम प्राइम नंबर. तो व्हाइल ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी आर लेफ्ट विद 2 प्राइम नंबर दो प्राइम फैक्टर से हम दो प्राइम नंबर जो है उनके जो ग्रुप है वो नहीं बने. वी आर लेफ्ट विद 7 × 7 देयरफॉर इसलिए हम क्या कहेंगे 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन है -27,000 हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर करे -27,000 टू से कट करना शुरू किया अभी 3 से डिविजिबल है हम डिजिट का सम करके देख लेंगे. जैसे अभी भी जब तक डिजिट का सम ऐसा नंबर बैठ रहा है जो 3 के टेबल में आता है तब तक हम 3 से डिवाइड करेंगे. जैसे कि 5 + 2 = 7 + 8 + 1 = 9 तो इट मींस ये अभी भी 3 से डिविजिबल है. 3 × 9 बचे 2 3 × 7 = 21 3 × 5 = 15 अभी भी 3 + 7 = 10 + 5 = 15 अभी भी 3 से डिविजिबल है. 5 + 2 = 7 और 1 = 8 अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है 5 से डिविजिबल है. इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए. आगे हम माइनस लगा देंगे सारे प्राइम फैक्टर लिख के 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5. अब हम इन्हें ग्रुप करते हैं ग्रुप ऑफ सेम प्राइम नंबर इन ट्रिपलेट्स. एक ग्रुप बन गया 2 का एक ग्रुप बन गया 3 का और एक ग्रुप बन गया 5 × 5 × 5 × 5 का. तो हमने देखा कि सारा ग्रुप सारे नंबर जो सारे प्राइम फैक्टर हैं उनके ग्रुप हो गए और कोई भी नंबर नहीं बचा. व्हाइल ग्रुपिंग द नंबर प्राइम फैक्टर्स ऑफ -27,000 can be grouped into triplets and no factor is left over. कोई भी factor नहीं बचा. It means
सो माइनस 27,000 इज अ परफेक्ट क्यूब, माइनस 27,000 परफेक्ट क्यूब है। इसका लास्ट पार्ट है माइनस रेशनल नंबर हमें गिवन है, फिफ्थ पार्ट माइनस 64 अपॉन 1331। तो हम पहले न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे फिर डिनोमिनेटर के करेंगे। न्यूमरेटर है 64, टू से डिविजिबल है, अब हमने करे 1331 11 से डिविजिबल है, इसको कट करके आया 121, अगेन 121 11 से डिविजिबल है 11, फिर ये आ गया 11। तो माइनस 64 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 6 टाइम 2, और 1331 के प्राइम फैक्टर आए 3 टाइम्स 11। अब हम देखते हैं क्या हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेम 3 प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ग्रुप बन गया 2 का, और यहाँ पे एक और ग्रुप बन गया 2 का, और नीचे भी 11 का एक ग्रुप बन गया, ग्रुप ऑफ सेम प्राइम नंबर इन ट्रिपलेट्स। तो और कोई भी फैक्टर नहीं बचा, तो हम यही लिखेंगे, नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर। सो माइनस 64 अपॉन 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब।